करोड़पति जा हम मना रहे हैं रोशनी रिश्तों की। प्रणाम करता हूं आपको और आपको भी प्रणाम करता हूं। स्वागत आप सभी का। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग। सबने रोशनी यानी कि लाइट, विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा तेजी, सबसे ज्यादा तीव्रता जो है वो रोशनी में ही होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि न सिर्फ रोशनी में तेजी बल्कि रोशनी में ऐसी शक्ति है जो कभी भी छुप नहीं सकती। आसमान हमसे सैकड़ों मील दूर है लेकिन रोशनी की वजह से हमें तारे दिखी जाते हैं। हजारों फीट ऊपर उड़ रहे हवाई जहाज की खिड़की से जब हम नीचे देखते हैं ना तो अंधेरे में केवल रोशनी नजर आती है। कहने का तात्पर्य है कि अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, रोशनी कितनी ही दूर क्यों ना हो, वो अपना रास्ता बना ही लेती। और देवियों सज्जनों, ज्ञान की रोशनी भी कुछ ऐसी ही है। आप इस हॉट सीट से कितनी ही दूर, किसी गांव, शहर या कस्बे में क्यों ना बैठे हो, ये हॉट सीट आपके ज्ञान की रोशनी को पहचान ही लेती है और आपको अपने पास बुला ही लेती। और आज भी अपने ज्ञान की रोशनी के दम पर देश के कोने कोने से हमारे बीच आ गए हैं हमारे 10 लेलॉन खिलाड़ी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए सीमा नरसा प्रकाश का। ये एक मल्टी नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। और बारी है सिरिल डिकॉस्टा जी। ये एक रिटायर्ड बैंकर है और मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं। मिलते हैं सरस्वती जिससे, एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर हैं और छतरपुर दिल्ली से आती हैं। और चलते हैं प्रतीक्षा ब्रिशाल पुणेपुरे। ये एक होम मेकर हैं और पुणे महाराष्ट्र से आती हैं। हम मिलिए राहुल नायल जी से। ये स्टूडेंट हैं और बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हैं। अब बारी आ गए हैं प्रीति शर्मा जी की। ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के एक असिस्टेंट है और फरीदाबाद हरियाणा से हैं। अब बढ़ते हैं फावड़ा सेलक जी की तरफ। ये एक बैंक की रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर हैं और अहमदाबाद गुजरात से आती हैं। अब मिलते हैं मधुरिमा मंडल से। ये एक मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी में एक असिस्टेंट कंसल्टेंट है और भिलाई छत्तीसगढ़ से आती हैं। अब बारी आ गई है सचिन परवार की। ये एक स्कूल प्रिंसिपल है और सूरत गुजरात से आते हैं। अब अंत में स्वागत किया जाए रंजना वर्मा जी का। प्रणाम करता हूं आपको। ये होम मेकर है और रखना उत्तर प्रदेश से। और शरीर को खोद खोद प्रणाम और आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। सभी खिलाड़ियों के ऑल द वेरी बेस्ट। आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शरीर का इनमें से कौन सा अंग उम्र के साथ अक्सर सफेद हो जाता है? Which of these body parts often turn white with age? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए जीभ, बी बाल, सी नाक, डी होंठ। टंग, हेयर, नोज, लिप्स। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी, हेयर, बाल जो है वो सफेद हो जाते हैं। देखते हैं कि किन किन लोगों ने बी में उत्तर दिया है। सबको मालूम है कि बाल सफेद हो जाता है। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। सबसे कम समय में सरस्वती बीच चली है 0.88 सेकंड। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती हुई है कि सरस्वती बीच की नंबर वन स्थान पर आ गए हैं वो 0.88 सेकंड टाइमिंग। दूसरा प्रश्न, रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन
में से क्या आमतौर पर स्नान घर में नहीं पाया जाता है? Which of these is not generally found in the bathroom? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए शैंपू, बी साबुन, सी दंत मंजन, डी चूल्हा। शैंपू, सोप, टूथपेस्ट या स्टोव? हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए भाई साहब? चूल्हा, स्टोव नहीं होता है वहां। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। तो एक बार फिर सबने सही जवाब दे दिया। कितना ज्ञान है इनको सबको अपने अपने बाथरूम पर। अब सबसे कम समय किसका लगा? राहुल नायर जी का 1.39 सेकंड। ओके, तो लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? सरस्वती जी नंबर वन, राहुल नायर पहुंच गए नंबर वन स्थान पर। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पुरस्कार के विजेताओं को अक्सर एक छोटी मूर्ति दी जाती है? The winners of which of these awards are often given a small statue? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने, ए अशोक चक्र, बी नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज, सी भारत रत्न या डी फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी फिल्म फेयर अवार्ड। उसमें एक मूर्ति दी जाती है। और अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। अरे, टीम को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? सुमा नरसा प्रकाश जी का 1.70। ओके, तो देखते लीडर बोर्ड पे राहुल नायर जी नंबर वन स्थान पर थे और सुमा जी पहुंच गए हैं और आप विजयी हो गए हैं। सुमा जी, आइए बैठिए। बहुत बहुत बधाई आपको। तो देवेंद्र सिंह मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं सुमा नरसा प्रकाश जी। वो एक मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये बेंगलुरु में रहती है, वहीं से आई है, कर्नाटक से आई है। बहुत बहुत स्वागत आपका सुमा जी। और यहाँ पर जो महिलाएं आ रही हैं वो इसी तरह का काम कर रही हैं, क्या वजह है? सर, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है। और अगर पैशन है कोडिंग का तो वो कुछ लॉजिकली और अपने दिमाग लगाना का जॉब होता है, तो अच्छा लगता है ना। तो आप कोडिंग करती हैं? हाँ, मैं कोडिंग करती हूँ, डेवलपर हूँ। हमारी समझ में नहीं आता कि ये कोडिंग होती क्या है। तो क्या है कि हम लोग सब बुजुर्ग हो गए हैं और हमको पता नहीं होता ये क्या है। तो सब मॉडर्न जनरेशन कैसे लग रहा है आपको ये गर्म कुर्सी पर बैठकर? से गर्म ही नहीं है, बहुत ठंडा है। आप पहली कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने जो सच्चाई है उसको व्यक्त किया है। सब लोग, अरे सर ये तो इतनी गर्म कुर्सी, आप पता चल रहा है क्यों गर्म कुर्सी कहते हैं इसको। बट बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर सुमा जी। ओके, कंपनी के रूप में आज आपकी सेवाएं होती। सर, व्हाट माय बेस्ट फ्रेंड, माय मदर। हो, प्रणाम करता हूँ माता जी, प्रणाम। बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम। ऑलराइट, गेम के रूल्स तो जी। सर, मेरे से एक रिक्वेस्ट था। आई बिलीव नॉलेज इज डिवाइन और KBC ही ब्रांड ऑफ नॉलेज है और ये मेरे लिए टेम्पल से भी ज्यादा है। और आपसे मिलके प्रसाद में मिल गया और आई हैव अ रिक्वेस्ट। हाँ जी। बिफोर आई स्टार्ट द गेम, मैं अपनी मम्मी की आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। बिल्कुल। चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही है। केवल इतना कहेंगे कि हमारी जो तीन लाइफलाइन है, ऑडियंस कॉल 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इस ओर आपका ध्यान होना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक चीजें हैं। कभी भी आपको लगे कि हमको सही उत्तर नहीं मालूम, इनका उपयोग कीजिए। ऑलराइट, तो हमारे जवान दिलों के प्राण नाथ और हमारे ज्ञान नाथ, इनको हम प्रणाम करते हैं। और
प्रारंभ किया जाए लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न, 1,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। घोड़ों का संबंध आमतौर पर परिवहन के इनमें से किस साधन से होता है? Horses are usually associated with which of these modes of transport? A. Cycle rickshaw, B. Tractor, C. Tonga, या D. Motorbike. Cycle rickshaw, tractor, tonga या motorbike? इसका आंसर C. Please lock option C. Tonga. Okay. C. Tonga, पर लगा जाए या Tonga? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Tonga आमतौर पर घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। फिल्मों वगैरह में देखा होगा टांगा। हाँ, हाँ, हाँ। बसंती चलाती थी टांगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न 2,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संख्या के पहाड़े में 54, 63 और 72 दिखेंगे आपको? 54, 63 and 72 वुड ऑल अपियर इन द मल्टीप्लीकेशन टेबल of which of these numbers? ये रहे options आपके सामने, A 9, B 7, C 8 और is it D 6? 9, 7, 8 या 6? Answer option A 9। लगा दे ताला? हाँ, ये आपको बोलना पड़ेगा। Please lock option A 9। ये पे ताला लगाया जाए। जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब है आपका। 9 × 6 = 54। 9 × 7 = 63, 9 × 8 = 72। बचपन की याद आ गई। बाबूजी के साथ सुबह जाना पड़ता था 4-5 बजे, जब वो टहलने निकलते थे और बोलते थे चलो हमारे साथ, और बोलते थे पहाड़ा पढ़ो, जहां गलती हुई पड़ती थी चपत। ये सब हमको याद है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 3,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुमा जी, ये एक इमेज प्रश्न है। ओके, इस चित्र में किस राज्य का अप्रवाही जल या बैक वाटर दिखाया गया है? विच स्टेट्स बैक वाटर्स इज शोन इन दिस इमेज? कैन यू सी द इमेज प्लीज? देख लिया? यस। ऑप्शन देखिए, ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। सर, इसका आंसर ऑप्शन सी केरला। सी केरला, क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन सी केरला। सी पे थोड़ा लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई आपको, 3,000 रुपए जीत गए आप। ऑलराइट, तो देवी सभी, ये जो इमेज आपने अभी देखी, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए हम अपना आभार अनेक अनेक प्रकट करते हैं उनके लिए। आगे चलते हैं सुमा जी, चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से इंडोनेशिया द्वीप का नाम 1995 में रिलीज हुए एक प्रोग्रामिंग भाषा के नाम से मिलता है? विच इंडोनेशियन आइलैंड शेयर्स इट्स नेम विद अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलीज्ड इन द ईयर 1995? ऑप्शंस ए बाली, बी सुमात्रा, सी बोर्नियो और इज इट डी जावा। सर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जावा है, क्योंकि मैं खुद एक जावा कोडर हूँ। so, प्लीज लॉक ऑप्शन डी जावा। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जावा लैंग्वेज के डेवलपर जावा आइलैंड से आए, कॉफी पी रहे थे, अच्छा, इसलिए उसका नाम जावा रख दिया। तो सुमा जी, अब बात आ गई है सॉफ्टवेयर की। तो पहले तो ये बताइए कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप जैसे है, आप लोग करते क्या है? ऐसा बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं। जो लोग डेवलपर्स हैं वो कोड लिखते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जो अभी आप सामने जो देख रहे हैं, एक तो एक सॉफ्टवेयर है, तो डेवलपर्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। और टेस्टर्स एक अनदर कैटेगरी है, जो इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं। आप क्या करते हैं, डेवलप करते हैं? मैं डेवलपर हूँ सर एक्चुअली, लेकिन मैं एक्चुअली डेवलपर मेरा प्रायोरिटी नहीं था जब मैंने करियर चूज किया। मेरा ऑप्शन था वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना, लेकिन लाइफ की सर्कमस्टेंसेस आई चोज इंजीनियरिंग, लेकिन वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस, क्योंकि मेरा एक लाइफ चेंज हुआ इस ऑप्शन चूज करने से। क्योंकि जब मैंने एक कंपनी में ज्वाइन किया और मेरा पहला साल में ही मैंने एक खुद का एक इन्वेंशन बना दिया। वो इन्वेंशन क्या है सर? आपके पास आधार कार्ड तो है ना?
बुलाना भूल गया हूँ मैं। आपको मैं उसमें एक चीज बताऊंगी, आपने कभी नोटिस किया नीचे एक बार कोड है उसमें स्क्वायर ब्लैक कलर? हाँ, इस किस्म का? हाँ, इसका। ओके। तो वो कोड जो है ना वो मैंने खुद बनाया है सर। आधार कार्ड में? हाँ। आपने बनाया है? हाँ सर। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप बार कोड बनाने? आप इतनी ज्ञानी है, केबीसी में क्या खेल के करिएगा सर? केबीसी से बहुत बड़ा है सर, जैसे मैंने बोला ये टेम्पल से भी ज्यादा है सर, क्योंकि इससे बहुत नॉलेज मिल रहा है और नॉलेज के ऊपर कोई चीज नहीं होता है सर। मैंने बहुत कुछ सीखा है। बात बताइए, ये जो आपने क्या बोलते हैं इसको, बार से मतलब कुछ और होता है कई बार हमारे जीवन में, लेकिन बार कोड ये पहले साल में ही आपने बना दिया? हाँ, ये मेरा करियर का पहला साल में मैंने इन्वेंट किया। इसको पेटेंट किया कि नहीं आपने? हाँ, पेटेंट अप्लाई हो चुका है, मेरी कंपनी की तरफ से हुआ है, पेटेंट एप्लीकेशन हुआ है, पब्लिश भी है। अगर आप अभी गूगल में जाके मेरा नाम डाल के इन्वेंशन देखे तो आ जाएगा कि बारकोड फोटो इमेज प्रोसेसिंग पेपर पब्लिश है सर, पेपर पब्लिश है। जब भी कोई आधार कार्ड चला उसका पैसा आपको मिल रहा है? नहीं सर, ऐसे नहीं। तो फिर पेटेंट करने की जरूरत क्या हुई फिर? वो पेटेंट आधार का इंक्लूडेड नहीं है, वो मेरे प्रोजेक्ट के बाहर से। ये आधार में जो कोड मैंने बनाया है वो जेनरेशन है, बारकोड जेनरेट करता है, लेकिन मेरा इन्वेंशन है बारकोड रीडिंग, नॉट जस्ट इन आधार। आप कहीं पे भी एक बारकोड लेके जाइए और उस पे कुछ डैमेज कीजिए या कुछ लिखिए तो स्कैन नहीं होता है, वो डैमेज होता है ना, तो उसके अंदर जो कोड्स होते हैं वो स्कैन नहीं होता है। लेकिन मेरे एल्गोरिथम के थ्रू आपने भेजा तो, मतलब मेरा इन्वेंशन जो मैंने बोला उसके भेजा तो वो स्कैन होता है, क्योंकि वो इमेज करेक्शन करता है, वो आधार से अलग है सर। उसका मालिक या मालकिन कौन है सर? एक्चुअली वो मैंने कंपनी का थ्रू अप्लाई किया था, क्योंकि जब मैं एम्प्लॉय थी कंपनी का तभी उसका एप्लीकेशन हुआ था। तो वो एक डील बन जाता है, आइदर कंपनी का होता है, इन्वेंटर मैं हूँ लेकिन कंपनी का रॉयल्टी होता है, या कुछ डिवीजन होता है, या पूरा इन्वेंटर का होता है। कंपनी चूज करता है कि नहीं हम खुद अप्लाई करेंगे और आपको कोई एक रेन्यूमरेशन जैसा देंगे। तो उन्होंने बोला कि उनका होगा वो राइट्स और मेरे को रेन्यूमरेशन मिला है और इन्वेंटर का लेबल मिला, तो आई एक्सेप्टेड दैट सर। जब आपने बना करके अपनी कंपनी को दे दिया तो आपको उनको कहना चाहिए बना के तो दे तो रहे, इसका जितना पैसा हमको मिलना चाहिए। हाँ, उसी को रॉयल्टी बोलते हैं सर। और वो मेरा करियर का पहला साल था तो आई वॉज हैप्पी जस्ट इन्वेंटिंग मनी, बाद में सर वो नाम हमेशा रहेगा। देवी जी, मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक अच्छे वकील को आप पकड़िए। जी नहीं सर, एक्चुअली। और उनको भी समझा दीजिए कि हमने ये किया है, हमको इसका रॉयल्टी जब भी इस्तेमाल होगा हमको मिलना चाहिए। ओके सर। और कंपनी वाले देख लेंगे, हमको मारिएगा मत, हमने एक आइडिया कर दिया। ओके। और हमारे ये गाननाथ जी कह रहे हैं कि आपकी उम्र केवल 21 वर्ष की थी जब आपने ये बनाया था। वाह, क्या बात है, वेल डन सुमन जी, बड़ा गर्व हो रहा है हमें कि आज आप हमारे सामने बैठी हैं। सुमन जी, अब आएगा पांचवा प्रश्न, इसका मूल्य है 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव है। रेडी सुमन जी? पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इन खिलाड़ियों में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी नहीं है? विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स पर्सन इज नॉट अ टेनिस प्लेयर? ऑप्शन सुनिए, ए सूर्यदेव देववर्मन, बी साइना नेहवाल, सी सोनिया मिर्जा और इज डी अंकिता रायना। ऑप्शन बी साइना नेहवाल इज अ बैडमिंटन प्लेयर, तो प्लीज लॉ ऑप्शन बी साइना नेहवाल। ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए, सही जवाब दिया है आपने, वेल डन। पहला पड़ाव पार हो गया, 10,000 रुपए जीत लिया आपने। अब आगे चलते हैं सोना जी, और आपको ये हमारे जो डीजे बाबू हैं, मैं देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। रेडी? यस
छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ये एक वीडियो प्रश्न है सुमा जी, आपको एक वीडियो दिखाएंगे। प्रश्न ये है कि इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जिस व्यक्ति के पात्र को निभाया है उन्हें इनमें से कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? Which of these honors was awarded to the personality being portrayed by Siddharth Malhotra in this movie? Video dikhaya jaye. Chaliye tu kithe chaliye tu kithe chaliye kaatu kaise raata ho saavre jiya nahi jaata sun baavre ke raata lambe aa re कटे तेरे संगे आ रे के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे। कितना सुंदर गाना था ये। हाँ सर बहुत अच्छा गाना, गाना ही सुनते रहते कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ओके ऑप्शंस ए अशोक चक्र, बी कीर्ति चक्र, सी पद्म विभूषण या डी परमवीर चक्र। सर ये इंडियन आर्मी विक्रम बत्रा को रिप्रेजेंट करते थे और उनको परमवीर चक्र अवॉर्डेड था वो, तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी परमवीर चक्र। ऑप्शन डी परमवीर चक्र पता लगा जाए। सही जवाब दिया आपने, वेल डन। ये गीत जो है ये आपने सुना, ये शेरशाह फिल्म से है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा जिसके बारे में आप कह रही थी अभी की भूमिका निभाई है, उन्होंने ये सम्मान कारगिल युद्ध में उनकी वीरता के लिए उनको दिया गया था। ओके ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा दिव्य सज्जनों, ये सोनी म्यूजिक के सौजन्य से संभव हो पाया, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। संगीत वगैरह सुनने का वक्त मिलता है कि नहीं आपको, कि वही कोडिंग में लगी रहती हैं? नहीं सर, मैं बहुत गाने सुनती हूँ और मैं गाने भी लिखती हूँ सर एक्चुअली, और कंपोज भी करती हूँ खुद का गाने। खुद का गाना आप कंपोज? एक्चुअली मेरा यही एक ड्रीम है कि मेरा एक गाना एक दिन कोई फिल्म में आए जो मैंने लिखा है और कंपोज किया है। मैं 5 भाषाओं में लिखती हूँ सर, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा में, 5 भाषाओं में आपका गाना। अरे वाह क्या बात है, वाह। सुमा जी आप केबीसी में क्या कर रही हैं? हमें समझ नहीं आ रहा अभी तक, सब जाइए घर जाइए, अभी यहाँ क्या कर रही हैं सर? अच्छा सुनिए, कोई ऐसा कॉम्पोजिशन है आपका जो आप अभी सुना सकती हैं हमको? ये सर हिंदी का एक गाना है। हाँ हाँ बताइए। तेरे मेरे मेरे तेरे मिल रहा है दिल, दो दिल मेरे तेरे तेरे मेरे एक ही मंजिल, मंजिल खोया खोया ये पल, मन ही मन में हलचल। हमारे दिल में हलचल मच गई है, अब क्या करें, खेल खेलने का मन नहीं कर रहा है, अब यहाँ मत छोड़िएगा आप। अपने वकील को बुलाइए आप, मैं सही कह रहा हूँ आपसे एकदम जी सर, कि आप जो भी गाना बनाती हैं वो कोई कंपनी वगैरह खरीद लेगा या कुछ होगा तो उसका पेटेंट आपके पास होना चाहिए और IPR होना चाहिए आपका। हाँ सर। वकील? हाँ सर। हाँ सुमा जी चलिए आगे बढ़ते हैं, खेल में आपका ध्यान आ जाए। 7वां प्रश्न आ रहा है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में महाकाल लोक गलियारे का उद्घाटन किया? इन विच स्टेट डिड प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट द महाकाल लोक कॉरिडोर इन अक्टूबर 2022?
ये रहे ऑप्शंस आपके सामने, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और इज इट डी गुजरात। सर आई हैम अ लिटिल अनश्योर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूं। शांत हो जाइए डीजे बाबू, तीनों जीवित हैं। ऑडियंस पोल 50-50, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर ऑडियंस पोल, ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ज्ञाननाथ जी, ऑडियंस आपकी बारी आ गई, वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हो गया, सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है ए 48%। सर आई वुड लाइक टू गो विद ऑडियंस, प्लीज लॉक ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। श्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन में श्री महाकाल लोक में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया और ये विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्रदान करके मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने में ये सहायता करेगा। मध्य प्रदेश बिल्कुल सही उत्तर था आपका और जनता बहुत ही गुणी जनता, क्या बात। और सुमा जी आगे चलते हैं, आएगा आठवां प्रश्न, मूल्य है 80,000 रुपए। रेडी, आठवां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ट्विटर पर इनमें से वो सुविधा क्या है जो आपको केवल अपनी पसंद के दर्शकों को ट्वीट करने की अनुमति देती है? ऑन ट्विटर विच ऑफ दीज इज अ फीचर दैट अलाउज यू टू ट्वीट टू एन ऑडियंस ऑफ योर चॉइस। ऑप्शन सुनिए, ए रीट्वीट, बी फ्लीट, सी सर्कल और इज इट डी रिस्ट्रिक्टेड रिप्लाई। रीट्वीट, फ्लीट, सर्कल या प्रतिबंधित जवाब। सर मैं ट्विटर पे नहीं हूं सर एक्चुअली। रीट्वीट, सर आई टेक लाइफलाइन। लाइफलाइन, शांत हो जाइए, दो बच्चे हैं, कौन सा लीजिएगा? वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको अंकित कर दीजिए। समझिए आपने तीन नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये है वो नाम। ये है श्री रघु, फिर है सनातन चंद अग्निहोत्रम और संदीप अग्रवाल। श्री रघु, श्री रघु से बात करिए। ऑलराइट, वीडियो कॉल लगाया जाए श्री रघु को, ये मित्र है आपके? यस सर। ओके, फैमिली फ्रेंड। ऑलराइट, श्री रघु जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार। तो मेरे सामने सुमा प्रकाश जी बैठी हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं। उनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा और उसके चार ऑप्शन है ए बी सी डी। ओके, आपको बताना पड़ेगा सही उत्तर क्या है विद इन 45 seconds। श्योर सर। सुमा जी आपका समय शुरू होता है अब। On Twitter, which of these is a feature that allows you to tweet to an audience of your choice? To tweet to an audience of your choice. A. Retweet, B. Fleet, C. Circle, D. Restricted reply. To tweet to an audience of your choice. Retweet, Fleet, Circle, Restricted reply. I guess it is restricted reply. How sure you are? 40%. Sorry? How 40%? 40%. Okay. 40%. Sir, take another lifeline. Ek aur lifeline? Yes, sir. ओके, शांत हो जाइए डीजे बाबू, एक और बची हुई लाइफलाइन है 50-50, इसको अंकित कर दिया जाए। अब सुमा जी इन चार ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस मिट जाएंगे जो कि गलत हैं, मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। बचा है फ्लीट, सी सर्कल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी फ्लीट।
चोर है? यस सर। बी फ्लीट पे ताला लगाया जाए। जी, दिस इज द रॉन्ग आंसर। सर्कल इज द राइट आंसर। सर्कल, ट्विटर सर्कल आपको अपनी पसंद के चुनिंदा दर्शकों को ट्वीट करने की सुविधा देता है। ट्विटर पर किसी को भी एक सर्कल में जोड़ा जा सकता है। अच्छा, भले ही वो किसी को फॉलो न करते हो, सर्कल में आने के बाद वो सर्कल में साझा किए हुए ट्वीट्स और उनके उत्तर को देख सकते हैं। Now I wish I was on Twitter, sir. Bad luck, Suma ji. मुझे शायद लग रहा था कि क्योंकि आप इतना सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती हैं, इसका उत्तर भी आपको मालूम होगा। Alright. तो Suma ji, आप नीचे गिर गए हैं 10,000 पे और इसे हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया Suma नरेश प्रकाश, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया और 1, 2, 3, 4 10,000 रुपए कंफर्म किया और आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए पहुंच गए इसी वक्त। बिल्कुल जल्दी आसान से तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। एक घर जाइए, केबीसी की तरफ से एक दिवाली का मौसम चल रहा है तो आपको हम देना चाहेंगे। आइए, ये केबीसी की तरफ से आपके लिए बेहतर। थैंक यू सो मच। हम देखते हैं।